सावधान लोग हुए, तब जाकर के 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया कि भाई इसे बचाव का काम करो। इसलिए सुबह की दुनिया अपने आप चलती है। बिहार की जनता जितना ही माम कल करना पड़ेगा जिससे। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उस समय विभाग में तेजस्वी जी थे, जदयू के कई नेता आप लोग पर सवाल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं अभी कह रहा हूँ, कौन विभाग में था, नई विभाग में था, ये बहस का विषय नहीं है। तेजस्वी जी को ये भी नहीं कहा है कि इक्का दुक्का कभी बीच में जो भी मंत्रालय किसी के में गया, लेकिन एक तो हमेशा मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के अपने लोगों के पास रहा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन क्या इस फेंका फेंकी से जनता का काम हो जाएगा क्या? इसलिए मैं कहता हूँ हर विषय को राजनीतिक विषय नहीं बना देना चाहिए। तलाशिए उस इलाज को, याद रख लेना क्या रोगी क्या अपनी परहेज नहीं किया इसलिए बीमार हो गया, इसी पर डॉक्टर रोगी को खरीद नहीं देता है, तत्काल उसका इलाज करता है, बचाव करता है और कुछ सावधानी के लिए उसको सलाह भी दे देता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि इसको राजनीतिक विषय न बनाया जाए। कृपया करके सभी लोग सोचें कि आखिर ये सुल्तानी आपदा क्यों है, और सुल्तानी आपदा मैं कह रहा हूँ तो एक व्यक्ति नहीं है, राज्य की पूरी ये श्रृंखला बनी हुई है जो नीचे तक जाती है, तो उसमें कहाँ कहाँ फेल्योर हुआ है, हमारे सिस्टम कहाँ फेल हुए हैं, उस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसे समय पर आदमी सीख लेकर के भविष्य से भी लोगों को आवागमन रुक गया। तो आप क्या समझ रहे हो, आवागमन रुक जाने का मतलब एक एक व्यक्ति को 10 रुपये 20 रुपये अलग से खर्च करना पड़ेगा, तब जाके किसी रास्ते से फिर अपनी डेस्टिनेशन पर जहाँ जाना चाहता पहुँचेगा, और जब इसका हिसाब जोड़ोगे तो करोड़ रुपये में चले जाते हैं। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम जन की सुविधा दिए हैं। बहुत दिनों के बाद नदी एक प्राकृतिक बहाव का रास्ता है, नदी कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन नदी के भीतर जो बनने वाले हमारे ढांचे हैं उसे बचाव का काम राज्य का विषय है। इसलिए ये फेंका फेंकी का सवाल नहीं है, जनता की समस्याएं पैदा हुई है तो हल करिए। आप लोग पहले ही मैं पूछ रहा हूँ कितना जी भ्रष्टा सकता है कि आज कोई आदमी नहीं मिला था कहे तो रहने दीजिए, लोगों को बताइए समझाइए और चर्चा को वहाँ ले जाइए कि आखिर ये 10 साल 12 साल की भूल क्यों की। देखो ना, कितना विषय को आज सामयिक आप लेके चले रहने दो ना, क्यों रुपौली बाय इलेक्शन का आज अंतिम दिन है, रुपौली उपचुनाव का आज अंतिम दिन है, तो आप एगो अलग आपके पार्टी में क्या है, वहाँ पर मैं कह रहा हूँ यार, बाकी दुनिया अपने आप चलती है। बिहार की जनता जो त्राही माम कल करना पड़ेगा जिससे अटेंशन देखो लाने दो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, जब कोसी नदी का पानी चला गया था चारे तरफ 3 दिनों में, तो मुख्यमंत्री जी वहाँ सर्वे करके आए, कहे कि बिहार में तो 200 जिला को हम बाढ़ से बचाए तो 3 जिले का चीज है। तो मैं एक शब्द कहा था, मुख्यमंत्री जी ये प्रलय है, नदी अपना रास्ता बदल दी है, नदी का फैलाव नहीं हुआ है, नदी का डाइवर्शन हो गया, इसलिए कृपा करके ठीक से समझिए कि 3 जगह का नहीं मामला है, जीनोसाइट हो जाएगा, मनुष्य का जनजीवन खतरे में पड़ेगा, तब यहाँ से लेके दिल्ली तक सावधान लोग हुए, तब जाकर के 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया कि नहीं इसे बचाव का काम करो। इसलिए कभी कभी बड़े विषयों को हम बहुत हल्के ढंग से लेना चाहते हैं। विषय जो है अपने आप में यदि रोग है तो उसकी दवा देना पड़ता है, रोग के इलाज के लिए किसी पे दोषारोपण करने से काम नहीं चलता। रुपौली को लेकर क्या समिति बन गई है सर? मैं चला जाऊंगा, कमिटी एक बन गई है सर, बाढ़
के निदान के लिए फिर कमेटी बन गई है और केंद्र सरकार की तरफ से भाई मैं एक नहीं अनेकों कमेटी। अब सुनिए, आप लोग पढ़ने लिखने वाले हो, इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट देख लो। इरिगेशन कमीशन ने अपनी नदियों के बारे में इतनी व्यापक स्टडीज की है, शायद देश का कोई भी प्रदेश नहीं किया है। इसलिए आप लोग भी तो पढ़ने वाले हो, नहीं माफ करना। देखो कौन सी हर समस्या को, सुखाड़ की समस्या से निपटने का, बाढ़ से समस्या से निपटने का, ये सारे रास्ते सुझाए गए हैं। और उसके पहले देश में चर्चा होती थी बिहार पानी में सरप्लस स्टेट है, सरप्लस स्टेट में डेफिसिट स्टेट है, बाढ़ का पानी हमारे किसी काम में नहीं आता, आता है चला जाता है। वह पानी जो हमारे प्रयोग के लिए चाहिए, वह कितना पानी है, वह केवल किसी राज्य का विषय उसी का इंतजाम होता है। इसलिए आज के दिन सामयिक विषय है, छोटे मोटे पॉलिटिकल घटनाएं आएंगी जाएंगी, हो जाएगा। लेकिन ये नदियों का सवाल, भारत सरकार का 100% दोष कि नेपाल से वार्ता करके उसका रास्ता नहीं निकाला जा रहा है, ये हमारे पुरखों की गलती है और पुरखों की गलती का परिणाम आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। कोशी हाई डैम बनाने की बात उस समय था जिसे अकूत बिजली हमको मिलती, बाढ़ से बचाव होता। उस समय जिसको कहा जाता है बेस्ट रूल गवर्नमेंट, उसने जानते हो क्या लिख दिया, इतनी बड़ी हम बिजली बना के क्या करेंगे, कहाँ हम प्रयोग करेंगे, इसलिए हमको बांध नहीं चाहिए, बांध नहीं हाई डैम चाहिए, हमको केवल रास्ता में तटबंध हमको बना दीजिए। और नतीजा आज भुगत रहे हैं। याद रख लीजिए, खता आदमी कभी छोटी करता है, सदियों तक उसका फल भुगतना पड़ता है, भुगत रहे इसको। पढ़ा आपने, सुना किस तरह से जगदानंद सिंह जी ने कोई भी राजनीतिक बयान नहीं देते हुए बता रहे हैं कि क्यों बिहार में पुल गिर रहे हैं। उन्होंने वजह बताई कि इस साल जो गर्मी की मौसम थी उसमें भीषण गर्मी थी, उसी के वजह से कहीं बिहार में पुल तो नहीं गिर रहे हैं। सत्ता में मौजूद पार्टी एनडीए पार्टी के ऊपर कोई भी राजनीति बयान नहीं दिया और उन्होंने बताया कि इसका वैज्ञानिक कारण ढूंढना चाहिए और पता करना चाहिए कि बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।